मम्मी जी, अवनी ने डॉक्टर से पूछ के आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनवाया है। कह रही थी कि उससे आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। क्या आप सबके साथ नीचे आकर ब्रेकफास्ट करना चाहेंगे? मेरे पास और भी अच्छा आइडिया है, मैं आपका ब्रेकफास्ट यहीं ले आती हूँ। अपनी तो सुबह सुबह अपनी क्लासेस के लिए निकल गई। बहाना इस पिछले एक महीने में हमारी बच्ची बहुत बदल गई, बहुत ही समझदार और जिम्मेदार हो गई। ना सिर्फ उसने अपना इतने अच्छे से ध्यान रखा, बल्कि पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही। अरे भावना, आप चिंता क्यों करते हैं? अवनी ने तो इस पूरे मामले में बहुत हिम्मत और समझदारी दिखाई। इनफैक्ट हम सबको तो उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गुड मॉर्निंग मॉम, आशीर्वाद दीजिए मॉम, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। डैड, वेडिंग के लिए चले। आप नए प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए जा रहे हैं ना, तो दही शक्कर। अक्षत, अक्षत क्या हुआ, मैं डिस्टर्ब क्यों? डैड, ऐसे मौकों पर हमेशा मॉम पहले दही और चीनी खिलाया करती थी, मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए भी हिम्मत आ जाती थी। लेकिन आज देखिए, मॉम की हालत देखकर बहुत बहुत बुरा लगता है। बिना किसी कसूर के उन्हें सजा मिल रही है, जबकि सजा उस कमीने। बस अब इस बारे में कुछ भी आगे मत कहो। तुम जानते हो ना, उसका नाम भी इस घर में लेना मुझे पसंद है, और मैं नहीं चाहता कि इस मुद्दे पर कोई भी बात हो और अवनी को डिस्टर्बेंस हो। थैंक यू, अक्षत को भी खिला। गुड मॉर्निंग मिस्टर खंडेलवाल। हाय, गुड मॉर्निंग। आइए जल्दी आइए, वेडिंग शुरू होने वाली। आज तो बोलियां बढ़ चढ़ के लगने वाली हैं, बड़ा मजा आएगा आज। क्यों भाई, आज ऐसे क्या खास वजह है? वजह सामने मौजूद है। ये लोग भी हैं डैड। क्या बात है, डर गए हमें देखकर। एक बात बोलूं हूं, मान लो अपनी तशरीफ की टोकरी उठाकर यहाँ से चढ़ते बनो। वैसे यहाँ भी हारी नसीब होने वाली। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए डैड। चलिए बीडिंग स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट बीड है 5 करोड़। 5 करोड़ 1,
5 करोड़ 2 8 करोड़ 8 करोड़ 8 करोड़ 1 8 करोड़ 2 10 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ 1 25 करोड़ 25 करोड़ 1 25 करोड़ 2 30 करोड़ 30 करोड़ 1 35 करोड़ 35 करोड़ 35 करोड़ 1 45 करोड़ 45 करोड़ 45 करोड़ 1 60 करोड़ 60 करोड़ 1 62 करोड़ 65 करोड़ 66 करोड़ 67 करोड़ 67 करोड़ 70 करोड़। आज के इस ऑक्शन में इस प्रॉपर्टी के लिए बोली लगाने वाले अब दो ही खरीदार रह गए हैं, द खंडेलवाल्स एंड द पुरोहित। पुरोहित जी, आपकी लास्ट बोली थी 70 करोड़ 70 करोड़ 1 75 करोड़। लगता है ये सिलसिला अब खत्म नहीं होने वाला और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों पार्टीज अपनी फाइनल मैक्सिमम बिड मुझे सबमिट करें। जिसकी बिड ज्यादा होगी उसी की ये प्रॉपर्टी होगी। क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है खंडेलवाल जीतेंगे। अरे नहीं नहीं, जीतेंगे तो पुरोहित। अरे वो ज्यादा ताकतवर हैं। देखा नहीं शादी के मंडप में कैसे नीचा दिखाया था इनको? तब इनकी लड़की की बदनामी की थी, अब इनको बिजनेस में भी बदनाम कर देंगे। कैसे हिम्मत हुई थी? क्या बकवास बोल रहे हैं? अरे सुरक्षा वालों, अरे कठे हो, समझता क्या तुमने? अरे अक्षत स्टॉप, वहीं रुक जाइए, ले जा रहा हूं अपने बेटे को, चलो। लगता है खंडेलवाल्स अब इस ऑक्शन से बाहर हो गए हैं। अरे जी जी मुबारक हो, अब यो जायदाद हमारे जेब में। वाह विक्रम जीजू सर, अब तो विदेश में भी थारा नाम ऊंचा होवेगा। एकदम बड़े बड़े फिरंगी आवेंगे हमसे हाथ मिलाने के। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज के इस ऑक्शन के विनर है द पुरो। खंडेलवाल अभी भी मैदान में और ये हमारा फाइनल फिगर है। ये प्रॉपर्टी हमारी ही होके रहेगी। मुझे अब दोनों पार्टीज की फाइनल बिडिंग मिल चुकी है और इस ऑक्शन के विनर और इस प्रॉपर्टी के नए मालिक हैं मिस्टर खंडेलवाल। I'm so proud of you. पापा साइन कीजिए।
नहीं हो तो बेईमानी है। जो लड़की आकर एक मिनट में फैसला कैसे बदल सकती है? क्यों वीर? सॉरी विराट, आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए आखिरी मिनट पर पक्के फैसले किस तरीके से बदल दिए जाते हैं। और फिर यहाँ तो आखिरी फैसला होना भी बाकी था। दिल टूटने में तो एक मिनट लगता है और एक पल में तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है, लेकिन जब सब कुछ बदल जाता है और इंसान का विश्वास टूट जाता है तो इंसान को टूटना नहीं चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, संभलना चाहिए और अपनी मुश्किलों से ऊंचा उठना चाहिए और अपने दर्द से सबक सीखना चाहिए ताकि जिंदगी में कभी दोबारा ठोकर ना मिले। सही कह रही हूं ना मैं? पापा आइए। चलो बेटा। अक्षत भैया कॉन्ग्रेट्स, वो प्रॉपर्टी हमें मिल गई, वी वन। थैंक्स टू यू। लेकिन एक बात बता, तेरी तो क्लास थी ना, तो यहाँ पे क्या कर रही है? वो थ्योरी थी और ये प्रैक्टिकल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं क्लासेस में सीखती हूँ। जो सीखा है उसे आजमाना तो पड़ेगा, बिल्कुल वैसी जैसे मैं हमारे होटल्स में करती हूँ। अवनी तुम जीत गई सो ठीक है, पर तुमने धोखा देने वाली बात क्यों कही? अरे जो हुआ वो तो तारे और राज के बीच। उसका नाम मत लेना, जो किया जिसने किया मैं अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल चुकी हूँ। बदल दिया मैंने अपने आप को और अब ना तो मैं और ना ही मेरा परिवार किसी के दया का मोहताज है, किसी के धोखा देने से या झूठ बोलने से। खंडेलवाल की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं और मेरा परिवार तुमसे कहीं ज्यादा ऊंचा है और अब आप जा सकते हैं। मुझे फालतू बातों में अपना कीमती वक्त जाया नहीं करना। अवनी, मैं और डैड किसी काम से जा रहे हैं, तू एक काम कर, घर जा और पार्टी की तैयारी कर। नहीं भैया, हम सेलिब्रेट तभी करेंगे जब मां पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। बाय। अक्षत बेटा। जी डैड। ये लो कॉन्ट्रैक्ट, बिड हमने जीत ली है, यही चाहते थे ना तुम? I'm sorry डैड, मुझे गुस्सा आ गया था। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अक्षत ऐसे माहौल में इन हालात में अपने इमोशंस पर काबू रखना चाहिए। बिल्कुल जैसे अवनी ने किया। कमाल की बात है ना डैड, क्या परफेक्ट बिड किया उसने। हेलो कांग्रेचुलेशंस, ये डील आपको आपकी बहन की वजह से मिली। आई एम सो प्राउड ऑफ अवनी डैड एंड आई एम श्योर कि आप भी होंगे। देखिए ना, आज सब उसी की तारीफ कर रहे हैं। अक्षत बेटा, दुनिया का कौन सा ऐसा बाप होगा जिसे अपनी बेटी की कामयाबी और उसकी तारीफों से खुशी ना मिले, जिसे उस पर नाज ना। लेकिन ये बात तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अवनी में जो बदलाव आया है ये उसके एम्बिशंस की वजह से नहीं, उसके टूटे हुए दिल की वजह से। और उसके इस टूटे हुए दिल ने मेरी बच्ची को एकदम बदल के रख दिया। अक्षत, तुम्हें याद है वो हमारी पहले वाली हमने, कितने मासूम, कितनी भोली, हमेशा मुस्कुराने वाली, सब और खुशियां बांटने वाली, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाली। लेकिन इस टूटे हुए दिल ने मेरी इस बच्ची की इन सारी खूबियों को छीन लिया, वो भी मेरी तरह सख्त और प्रैक्टिकल बन गई है। और सच बताऊं अक्षत, तो मैं ऐसी किसी बात पर नाज नहीं कर सकता। अक्षत बेटा, एक ख्याल मुझे बेबस कर देता है कि इस जिंदगी ने क्या कर दिया है मेरी बेटी के साथ। माँ,
प्रशांत। बस और नहीं मिलेगा। हम वो ऑक्शन जीत गए ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। वो प्रॉपर्टी के साथ साथ अब खंडेलवाल ग्रुप का नाम फॉरेन में भी होगा। क्या हुआ, एक स्माइल तो दे दो। अब ठीक हो ना? माँ, अब मेरे फ्यूचर की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा फ्यूचर सेट है, ये घर, हमारा बिजनेस, और अब मेरा फ्यूचर सिर्फ आपके साथ है। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत चिंता है, लेकिन प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। मैं अब बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ, इतनी स्ट्रांग कि कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरे पास दिल है ही नहीं जिसकी वजह से इंसान भटक जाता है। सिर्फ दिमाग है, और दिमाग से इंसान हमेशा सही फैसले लेता है, और ये मेरे लिए सही है। Now I'm absolutely fine. अब सब सही हो जाएगा। डैड, अब सब सही हो जाएगा। पूरा यकीन है तुम्हें? Absolutely, डैड। सारी बुआ सा बिल्कुल सही कह रही। डैड, इस बात को अब एक महीना हो चुका है, एंड इट्स टाइम कि हम लोग जिंदगी में आगे बढ़े। सावरी बुआ साहब अवनी के रिश्ते के लिए एक लड़के को भेज रही है। रिश्ता? थैंक यू। लगता है कि ये सब कुछ जल्दी हो रहा है? मेरा मतलब है कि बस एक ही महीना हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि इतना समय अपने के लिए संभलने के लिए काफी है। नहीं नहीं, फैक्ट हम लोग जितना जल्दी करेंगे अपने के लिए उतना ही अच्छा होगा। और देखिए ना, वैसे भी पढ़ाई में उसका मन लग रहा है, और आज उसने टेंडर बिडिंग में जिस तरह से बिहेव किया, उस तरह से साफ जाहिर है कि मेंटली वो इस बात से बाहर आ चुकी है। बस अब एक अच्छा सा लड़का देखकर उसका रिश्ता हो जाए तो वो लाइफ में सेटल हो जाएगी और खुश रहेगी। वैसे भी ये जो फैमिली है, ये जोधपुर के रहने वाले और यहाँ किसी काम के सिलसिले में आए, सो आई थिंक हमें ने लंच पे इनवाइट करना चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत फर्क होता है। बाकी सारे कामों में अपनी ने जोश दिखाया, लेकिन जहाँ दिल का मामला है उससे शादी की बात करना ऑकवर्ड होगा। और सावरी बुआ जी भी अपने ससुराल गई हुई है। ठीक है, मैं इस बारे में अवनी से बात करता हूँ। पहले जान लेते हैं कि उसकी मर्जी क्या है। बैठो 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 बैठो, ये लो। थैंक यू। पापा, ये डॉक्यूमेंट्स हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तैयार किए, ताकि वो कंस्ट्रक्शन। अपने बेटा, वाकई में बहुत फख्र है मुझे तुम पर। अपने माँ का ख्याल रखना, अपनी पढ़ाई इतने अच्छे से करना, अब तो बिजनेस में भी तुम इतना ध्यान दे रही हो, हर काम कितने अच्छे से निभा रही हो तुम। अवनी बेटा, वो असल में आज सांवरी का फोन आया था। सांवरी सोचती है कि, इनफैक्ट सांवरी क्यों, हम सब लोग भी सोचते हैं कि वो आज, और ऐसा कुछ नहीं कि मैंने सांवरी से कुछ डिस्कस किया है, लेकिन सांवरी ने रिश्ता भेजा है मेरे लिए। मैं जानती हूँ आजकल उनके सर पर यही भूत सवार है। हाँ, लेकिन अवनी बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम ये बात आगे भी निभाएंगे, बट ऐसे ही उन लोगों का सामने से वो तो आप बस बुला लीजिए उन्हें। अगर आपको ये सही लगता है तो ये सही होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब आ रहे हैं वो लोग? वो बेटा आज ही,
बस आते ही होंगे। तो मुझे तैयार हो जाना चाहिए।